हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। आप बेंजीन के अंदर कोई भी हेलो एटम लाइए, सिर्फ फ्लोरीन छोड़ के एफ एटम नहीं आएगा। Cl2, Br2, I2 इनमें से कोई एक एटम आएगा, यानी क्लोरोबेंजीन बन सकता है, ब्रोमोबेंजीन बन सकता है, आयोडोबेंजीन बन सकता है, बट फ्लोरोबेंजीन डायरेक्टली नहीं बनता है। उसके लिए स्पेशल मेथड है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन में केवल क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या आयोडोबेंजीन ही बन सकता है, फ्लोरोबेंजीन नहीं। कंडीशन क्या है, बेंजीन का रिएक्शन हैलोजन से कराइए, Cl2, Br2 या I2 इनमें से कोई एक लीजिए, और कोरस्पॉन्ड ही आपको यहां पे AlX3, मान लीजिए आपने Cl2 लिया है तो आप लेंगे AlX3, आपने लिया है Br2 तो आप लेंगे AlBr3, आपने लिया है I2 तो I2 के लिए AlI3 तो लेना पड़ेगा। लेकिन साथ में यहां पे एक अलग कंडीशन होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो आपको लेना पड़ेगा, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम Cl2 और Br2 के लिए फोकस कर रहे हैं। दूसरा होता है BX3, ये भी आप ले सकते हैं, मान लीजिए Cl2 लिया तो BCl3 होगा, Br2 हो तो BBr3 होगा, Fe भी ले सकते हैं और FeBr3 भी ले सकते हैं, FeCl3 भी ले सकते हैं। सो दीज आर द कॉमन लुईस एसिड, इनको लुईस एसिड बोलते हैं, और इनसे बनता है हेलोबेंजीन प्लस HX, हेलोजन एसिड। मैकेनिज्म की बात करें कि भाई बनता कैसे, तो पहला स्टेप, ये तीन स्टेप में होती है। हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा, बेंजीन के एच को सब्स्टिट्यूट करेगा। कैसे करते हैं पता चलेगा मैकेनिज्म से। पहला स्टेप है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है, तो ये देखिए, ये आपका हैलोजन है, लाइक Cl2 ले लिया, Br2 ले लिया, तो Br सिंगल बॉन्ड, Cl2 है तो Cl सिंगल बॉन्ड, कोई दिक्कत आपको समझ में नहीं हो रही है, आ रही होगी यहां पर। अब देखिए AlX3 आपने कहा लुईस एसिड है, आप जानते हैं ग्रुप 13 के कंपाउंड जो होते हैं they are electron deficient, उनका octet पूरा नहीं होता है, they are hypo octet and in actual they have 6 electrons in their valence shell। यहाँ पे बात करें aluminium के valence shell में 6 electron है, 8 नहीं है, incomplete है, octet rule को follow नहीं कर रहा है, electron की चाहत है, electron चाहिए ही चाहिए, तो electrophile ये जो है electron deficient होगा। अब देखिए यहाँ से होता क्या है कि ये टूटा आपका, यहाँ से क्या निकलेगा X- और X- अलग होने के बाद यहाँ पर अपने इसके खाली पी के अंदर चला जाता है। तो यहां से दिखाते कैसे हैं, इसको दिखाया हमने ऐसे, ये देखिए एक्स यहां से अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला गया AlX3 के पास, बन गया AlX4, इसको बोलते हैं लुईस एसिड कॉम्प्लेक्स एंड लिविंग बिहाइंड X+। भाई जब इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा तो यहां पे क्या बचेगा, X+, और इसको बोलते हैं हैलोनियम आयन। सर मान लीजिए Cl होता तो Cl+ को क्या बोलते हैं, क्लोरीनियम आयन। सर Br+ होता तो क्या बोलते हैं, ब्रोमीनियम आयन। सर I+ होता तो क्या बोलते हैं, आयोडीनियम आयन। कोई दिक्कत नहीं है, हैलोनियम इसलिए कॉमन नाम दे दिया है। अगला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ एडिनियम आयन। सर इसमें क्या होता है, देखो भाई ये है आपका बेंजीन, बेंजीन में आप जानते हैं इससे पहले आपको कई रिएक्शन करा चुके हैं, तो होता है क्या कि बेंजीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अटैक करते हैं, किसके ऊपर अटैक करते हैं बच्चों, वो अटैक करते हैं आपके हेलोनियम आयन के ऊपर। ये देखिए अटैक हुआ और इससे क्या बना, इससे आपका बनेगा, जी हाँ सही बोले आप, इससे आपका बनेगा एडिनियम आयन कॉम्प्लेक्स या सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ये देखिए यहां पर आएगा प्लस चार्ज और ये बन गया आपका एडिनियम आयन। एडिनियम आयन जो होता है ये लेस स्टेबल होता है, ज्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं करता है। अगला स्टेप लेंगे, अगला है आपका स्टेप थर्ड। तो स्टेप थर्ड में क्या होता है, स्टेप थर्ड में आप जानते हैं एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोन होता है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोन, यानी प्रोटोन बाहर आएगा, और प्रोटोन का मतलब क्या होता है, H+, यानी H+ आपको बाहर निकालना है। तो आइए देखते हैं क्या होता है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोन में। ये आपका एरिनियम आयन रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा, ये आपका एरिनियम आयन है और यहां से निकलेगा आपका H+, ये वाला जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये यहां से निकलेगा, ये वाला H। ये कैसे निकलता है, ये देखिए यहां पर आया, जब यहां पर आएगा तो बॉन्ड क्या होगा, डबल हो जाएगा और ये प्लस चार्ज भी खत्म हो जाएगा। जब प्लस चार्ज डिमिनिश हो जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर का एक्वायर करेगा, फिर से बेंजीन बन गया और ये कहलाता है हैलोबेंजीन। और इसको देखिए यहां पर आपका आता है AlX4-,
ये इससे क्या करता है, Cl- बाहर X- जो भी रहेगा हेलोनियम आयन, वो हेलोनियम आयन X- यहां पे आएगा और क्या करेगा सर, X- यहां पे अटैक करेगा और साथ में बनाएगा HX, ये देखिए, और AlX3 वापस अवेलेबल हो जाएगा क्योंकि ये लुईस एसिड है और लुईस एसिड जो होते हैं कैटलिस्ट, वो कैटलिस्ट रिएक्शन में यूज नहीं होते, तो वापस उसी फॉर्म में आ जाएगा। और फाइनली आपको बेंजीन से देखिए क्या मिला, आपको बेंजीन से मिला था हेलोबेंजीन और HX, तो अगर आप फोकस करेंगे तो यहां भी आपको क्या मिला है, हेलोबेंजीन और HX। तो ये मैकेनिज्म है एज यूजुअल, जैसे पहले पढ़ा है वैसे ही आप देख सकते हैं, रिएक्शन तीन ही स्टेप में हो रहा है, पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बनता है, दूसरे स्टेप में एरिनियम आयन बनता है और तीसरे स्टेप में प्रोडक्ट बनता है। आई थिंक क्लियर है। देखिए कुछ हेलोजिनेशन और बेंजीन प्रॉब्लम दी हुई है, हम इनको देखते हैं एक एक करके। आइए पहले यहां पर देख सकते हैं मिथाइल बेंजीन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा रहा है और यहां पर हम लेते हैं सनलाइट, तो सनलाइट के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएगा या स्ट्रॉन्गली हीट करेगा तो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। यहां पर ये एल्काइल पार्ट पर होती है, यानी कि बेंजीन में जो साइड चेन लगी है मिथाइल, यहां पर रिएक्शन होगी। इसमें आप देख पा रहे हैं कि तीन एच है, तीनों एच जो है दे विल बी सब्स्टिट्यूटेड, उनको सब्स्टिट्यूट कर देगा सीएल फ्री रेडिकल। रिएक्शन प्रोसीड्स वाया एफआर सब्स्टिट्यूशन, इस रिएक्शन में एफआर मैकेनिज्म होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, और वो सारे एच को सब्स्टिट्यूट करती है, तो यहां पे आपको कंपाउंड ये मिलेगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन है कि आपने Br2 और Fe लिया हुआ है, Fe Br2 के साथ रिएक्शन करके Fe Br3 बनाएगा, जिससे यहाँ पर Br+ इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और Br+ इलेक्ट्रोफाइल जो होगा, सॉरी यहाँ पे Br कर लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पे जो Br इलेक्ट्रोफाइल होगा वो बेंजीन पर H को सब्सटीट्यूट करेगा। रिएक्शन विल बी द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। तो अगर लुईस एसिड है आपके साथ तो हेलोजिनेशन बेंजीन रिंग पे होगा, और अगर क्लोरीनेशन या हेलोजिनेशन सनलाइट में हो रहा है तो वो साइड चेन में होगा, बेंजीन रिंग पर नहीं होगा। अब यहां पे देखिए, आपको पता है कि मिथाइल जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो इससे क्या होगा, ऑर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहीं पर होगा। ये दोनों पोजिशन आइडेंटिकल होते हैं तो आप यहाँ पे बी आर को इधर भी लगा सकते हैं या फिर इधर लगा सकते हैं, एक ही बात है। अब आप देखिए कि यहाँ पर बी आर यहाँ पर गया पैरा पोजिशन पे, यहाँ पे ऑर्थो पे गया, तो ये दो आइसोमर बनेंगे यहाँ पर और दोनों में से मेजर ये होगा। तो आपको मालूम पड़ा कि फ्री अगर लुईस एसिड लिया हुआ है तो रिंग पर रिएक्शन होगा जो कहलाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और अगर सनलाइट या स्ट्रॉन्गली हीट कर रहा है तो वो आपका कार्बन चेन जो बेंजीन पर साइड चेन लगा हुआ है, कार्बन चेन लगा हुआ है उस पर होगा वो रिएक्शन हेलोजिनेशन। अब देखते हैं ये वाला एग्जांपल, यहाँ पे बेंजीन का रिएक्शन आईसीएल से कराया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि बॉन्ड पोलर है, आई जो है वो सीएल से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो प्लस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, सीएल इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, सीएल अपने इलेक्ट्रॉन लेकर AlCl3 के साथ जाएगा, लुईस एसिड कैटलिस्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद यहां से आई प्लस बनेगा, सेम टाइम बेंजीन पे अटैक करेगा और आपको मिलेगा हाइड्रोबेंजीन, और ये जहां से एच निकलेगा इट विल एक्वायर सीएल माइनस फ्रॉम हियर, मैकेनिज्म आपको पहले सिखाया आप वहां से देख सकते हैं, और फाइनली आपको साइड पोर्ट मिलेगा CL, तो यहां पर आपको हाइड्रोबेंजीन मिला है।